थैंक यू एवरीवन, इट इज इनक्रेडिबल जितनी एक्साइटमेंट मुझे यहाँ दिखती है, शायद ही कोई ऐसी जगह है, शायद ही कोई ऐसी मंजिल है जहाँ पे इतना नर्वस मैं हो जाता हूँ, क्योंकि आप लोग सब इतने पावरफुल स्पीकर्स हो, इतने पावरफुल पर्सनैलिटीज हो, बाकी दुनिया तो मुझे बहुत ही छोटा सा प्ले ग्राउंड लगती है। आई थिंक न्यूसॉफ्ट की शुरुआत के लिए उसका रीजन ही ये था कि किसी भी तरीके से करके अपने आप को शक्तिशाली बनाना, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना, अपने आप को उस काबिल बनाना कि हम चार लोगों के बीच में तो खड़े हो ही पाए लेकिन इस देश की तरक्की में भी अपना योगदान हो। सो दैट वाज द ओरिजिनल आइडिया ऑफ यू नो एम्पावरमेंट, ऑफ इंटेलेक्चुअली एंड फाइनेंशियली फ्री करना अपने आप को, और कुछ भी कर ले हम, सब चीज का निचोड़ जो है वो हमारे ज्ञान के ऊपर जाता है। हमारी ताकत, हमारी शक्ति उतनी ही है जितनी हमारी नॉलेज है। हमारी शक्ति में, हमारी नॉलेज में इतनी पावर है कि वो दुनिया का तख्त पलट सकती है। सो एजुकेशन हैज ऑलवेज बीन द फोरफ्रंट। आज दुनिया में जो लोग आगे चल रहे हैं, हमसे आगे तरक्की कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके यहाँ जो बच्चे हैं, उनके यहाँ जो लोग हैं, वो ज्यादा एजुकेटेड है, वो ज्यादा स्किल्ड है, उनकी नॉलेज जो है वो आज की डेट में अपडेटेड है। और जो लोग पीछे रह रहे हैं, जो देश पीछे रह रहे हैं, उनका भी सिर्फ एक ही कारण है कि उनकी एजुकेशन सिस्टम, उनका उनकी पढ़ाई लिखाई कहीं ना कहीं दुनिया के मुकाबले में पीछे रह गई है। सो आई थिंक दिस इज वेयर यू नो न्यूसॉफ्ट कम्स इन। ये बीड़ा मतलब सरकार के साथ साथ हमने भी उठाया है कि सरकार को तो बहुत सारे काम है देखने के लिए, तो सरकार ने ये भी देखना है पाकिस्तान क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है। तो हमारे पास एक एडवांटेज है कि हम ये देखें कि यार हम अपने लोगों को केपेबल कैसे बनाएं, कैसे उन लोगों को विश्वास दिलाएं कि उनमें भी वो सब कुछ है, वो जुनून, वो जागरूकता, वो केपेबिलिटी, वो सब कुछ है जो एक सफल आदमी में या जो एक आदमी को सफल बनने में मदद करती है। सो आई थिंक दिस इज वेयर न्यूसॉफ्ट स्टेप्स इन, दिस इज वेयर वी ट्राई एंड यू नो कम इन एंड टेल यू एंड कोशिश करते हैं आपकी मदद करने की, आपको एहसास दिलाने की कि आपके अंदर वो बात है और आपको सिर्फ आप अपने आप को तरक्की करने से रोक रहे हो। सो विद दिस इन बैकग्राउंड यू नो न्यूसॉफ्ट हैज ऑलवेज बीन वर्किंग। हम आज तक करीबन 22 सालों से लगातार परस्पर काम करते आए हैं, नई नई चीजें लेते आए हैं, नए नए प्रोडक्ट्स को, नए नए कोर्सेज को लॉन्च करते आए हैं। पिछले साल हमने ड्यू वाइटल लॉन्च किया, पहली बार हम हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर आए। एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट, मतलब ये हमारा अधिकार है, ये हमारा ही नहीं पूरी दुनिया में जो हर आदमी पैदा होता है उसका अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट। सो कोई भी दुनिया की सरकार, कोई भी दुनिया का समझदार व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि यार हमें एजुकेशन नहीं चाहिए। सो पहली चीज ये है कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, वॉट आर वी ट्राइंग टू डू। न्यूसॉफ्ट 22 साल से लोगों को अग्रसर बनाने की, लोगों को केपेबल बनाने वाली एक संस्था है और इसमें हम अग्रणी हैं, मतलब हम नंबर वन है। 22 साल हो गए, यू नो बहुत सारे लोग, बहुत सारे तरीके से कंपनीज आई, बहुत सारे तरीके की कंपनीज गई, बट आज भी एजुकेशन के अंदर ना कोई दूसरी कंपनी आने का साहस दिखाया, ना ही किसी कंपनी के अंदर इतना दम है कि वो आज हमारे से टक्कर ले पाए। एजुकेशन को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बेचने वाले सिर्फ हम हैं। ये इतना मुश्किल प्रोडक्ट है, ये इतना महीन प्रोडक्ट है, आज तक इस लाइन में कोई दूसरा नहीं आया है। सो मुझे लगता है इस बात से हमें एक गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है और कर रहे हैं वो आज तक किसी और ने नहीं किया है। समय की मांग तो है ही, लेकिन इसमें हमारी एक्सक्लूसिविटी हमें एक अपॉर्चुनिटी देती है कि हम आगे बढ़कर इसको आगे बढ़ाकर, इसको अपना फोरफ्रंट में लेके, इसके साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जोड़ के हम आगे अपना बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सो क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि मैंने आपको एक बात कही, आपने आगे उस बात को दोहराया, उसने उस आगे वाले ने फिर उस बात को आगे दोहराया, तो अगर मैंने आपको 100% बात करी है तो शायद आपको 80% समझ आएगी,
80 समझ आने वाले, इसमें आपने जब समझाने की कोशिश करी अपने लेवल पे तो उसको 60 ही समझ आए, 60 वाले ने फिर आगे समझाने की कोशिश करी तो शायद 40 या 25 ही रह गए। सो आज का जो मीटिंग है वो इसलिए है कि मैं दोबारा से वो रीसेट करके, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे पहुंचते पहुंचते बात कुछ और बन जाती है। सो आज का जो उद्देश्य है इस मीटिंग का वो ये है कि हम एक तो आपको बताएं कि कंपनी ने क्या एक बहुत जबरदस्त तरीके से एक नई वेबसाइट का तैयार करी है आपके लिए, और दूसरा कि उसमें क्या क्या खूबियां हैं जिनको यूज करके आप अपने आप को सफल और योग्य बनाने की कोशिश कर सकते हैं और बाकी लोगों की भी मदद कर सकते हैं जिन चीजों को इस्तेमाल करके वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर तरक्की कर सकते हैं। बहुत सिंपल हिसाब किताब है कि डूसॉफ्ट सेल्फ लर्निंग प्रोडक्ट्स बेचता है। सेल्फ लर्निंग प्रोडक्ट्स मतलब खुद से पढ़कर इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं। आजकल से पहले मतलब 22 साल पहले जब हमने ई लर्निंग का कोर्सेज लॉन्च किया तब कोई भी नहीं जानता था ई लर्निंग क्या है। आज मैं उस सब्जेक्ट पे नहीं जाऊंगा क्योंकि हर एक आदमी जानता है ई लर्निंग क्या है, क्योंकि कोरोना के माध्यम से हर आदमी के घर में कोई ना कोई बच्चा या उसके पड़ोस में किसी ना किसी बच्चे ने ई लर्निंग के माध्यम से जरूर पढ़ाई करी है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि ई लर्निंग तो ठीक है, बट अब बात रह गई कंटेंट की, बात रह गई वो चीजों की कि क्या वो चीजें हमें अपने स्कूल या कॉलेज में मिल रही हैं जिससे हम बाहर निकल के मार्केट में कंपेरेटिव होके एक जॉब या एक अच्छा करियर का चुनाव कर सकते हैं। तो सिंपल बात है कि नहीं, आज हमारे स्कूल या कॉलेज के अंदर वो पढ़ाई नहीं कराई जाती जिससे हम बाहर निकलते ही किसी भी अच्छी जॉब या किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सके। अधिकतर संस्थाओं का ये मानना है कि कॉलेज का पास आउट बच्चा इंडियन एजुकेशन सिस्टम से, जिसकी बहुत धुएंदार बातें की जाती हैं, अगर वो टॉप 10 या टॉप 15 कॉलेजेस में से नहीं है तो वो बच्चा का जॉब लगना भी एक चमत्कार के बराबर होता है। सो इस कार्यवर्ष में इस ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए, सो दी आइडिया वॉज टू कम आउट विद प्रोग्राम्स, कुछ इस तरीके के प्रोग्राम बनाए जाए ताकि हम उस बच्चे को उस बच्चे को एक संपूर्ण शिक्षा दे पाए, मतलब जो शिक्षा उसने अपने स्कूल या कॉलेज में नहीं ग्रहण करी वो दे पाए और उसको साथ में एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे पाए जिसको इस्तेमाल करके वो अपनी पर्सनैलिटी, वो अपने कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन और कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज का इम्प्रूव करके अपनी जिंदगी में अलग अलग लेवल पे सफल होके चल पड़े। सो दिस इज वॉट वी डू, दिस इज वॉट ड्यूसॉफ्ट इज ऑल अबाउट। हम लोगों को काबिल बनाने में, हम लोगों को केपेबल बनाने में कोशिश करते हैं और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आप हमारे साथ जुड़ें, अपने आप को तैयार करें, यू प्रिपेयर योर सेल्फ एंड देन यू गो आउट एंड विन द वर्ल्ड। सो विद दैट ऑब्जेक्टिव इन माइंड, आई विल टेक यू टू द वेबसाइट, टू द न्यू वेबसाइट विच इज इनक्रेडिबल, विच आई थिंक इज द सेकेंड बेस्ट थिंग ड्यूसॉफ्ट हैज डन। पहला ड्यूसॉफ्ट का सबसे अच्छा काम यह था कि उसने ई लर्निंग लॉन्च किया 2000 में। दूसरा ड्यूसॉफ्ट का बहुत बढ़िया काम यह था कि उसने ड्यू वाइटल लॉन्च किया पिछले साल में, और आज होली के समक्ष में आज हम अपनी तीसरा एक बढ़िया काम करें, तीसरा नहीं चौथा कह सकते हैं, क्योंकि तीसरा हमने महाशिवरात्रि के दिन टेस्टिंग सेंटर लॉन्च किया था और बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत बढ़िया उसका रिस्पॉन्स आया, लोग हजारों लोग रोज की तादाद में टेस्ट दे रहे हैं, और आज होली से एक दो दिन पहले ही हम लॉन्च कर रहे हैं अपनी नई वेबसाइट जिसमें आप दुनिया भर की चीजें देख सकते हैं। ये वेबसाइट आप लोगों के लिए है जो आपके काम की चीज है या आपके आपको मददगार करेगी किसी भी शैली में, चाहे वो आपका पर्सनल लेवल हो, चाहे प्रोफेशनल लेवल हो, चाहे आपके घर के अंदर किसी के लिए जरूरत हो। ये वेबसाइट के अंदर जितना भी कोर्सेज हैं, जितने भी एजुकेशन है, वो सब आपके लिए है। So with this, I will take the opportunity without wasting further time to the website. Let's see how it goes. So this is the new website. It says www.godusoft.com/learn.
जैसे स्लैश GoPro करेंगे तो आप GoPro की वेबसाइट पे जा सकते हैं. सो दिस इज स्लैश लर्न. एज यू सी दिस इज द फ्रंट पेज. वी टॉक अबाउट लाइफ लॉन्ग लर्निंग. हम पहले जब इस वेबसाइट पे ये एड्रेस डालते हैं gobusoft.com/learn तो ये साइट का मेन पेज है जिसके ऊपर हम आते हैं. और इस साइट के अंदर बिना लॉगिन करे आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं. मतलब आप किसी भी साइट पे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा ट्रायल के लिए चीजें देखने को मिलती हैं. तो इस वेबसाइट के अंदर लगभग सभी चीजों पे ट्रायल के लिए कुछ कुछ लेवल ऑफ टॉपिक्स खोले गए हैं. पूरे लेवल ऑफ टॉपिक्स आप लॉग इन करने के बाद ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सैंपल आप किसी को भी कभी भी दिखा सकते. सो इस वेबसाइट के अंदर मेन पेज के नीचे मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज आते हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ कुछ कोर्सेज हैं जिनके बारे में छोटा छोटा लिखा हुआ है. मोस्ट रिकमेंडेड कोर्सेज आते हैं नीचे. हम चाहें तो ऊपर जाके ये जो राइट हैंड साइड पे पैनल दिख रहा है इसको नेविगेट करते हुए अपने कोर्सेज को ढूंढ सकते हैं. पूरी तरह के साइट को डिवाइड किया गया है तीन तरह के भाग में. ई कोर्सेज यानी कि पढ़ाई, ई बुक्स यानी कि आप ऑनलाइन बुक्स देख सकते हैं, और ऑडियो बुक्स यानी कि आप ऑडियो फाइल्स सुन सकते हैं, ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, लोगों की स्पीचेस सुन सकते हैं. मैं अभी आपको एक एक करके सैंपल में लेके चलूंगा. ये साइट सेशन कंट्रोल करती है. सेशन का मतलब है कि अगर आप इस साइट पे काफी देर से हैं और आपने कुछ नहीं किया है तो आपको एक बार रिफ्रेश कर लेना चाहिए, नहीं तो इसका सेशन आउट हो जाता है. सो कभी भी आपको कोई एरर आने लगे तो आप मेन पेज पर जाइए और एक बार दोबारा इस साइट के अंदर एंटर कीजिए. सो वी विल ट्राई एंड गो टू लेट्स से कंप्यूटर एप्लीकेशन. जब हम कंप्यूटर एप्लीकेशन में क्लिक करते हैं यहाँ पे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पे इसके अंदर सात तरह के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ पे वो सब्जेक्ट्स का छोटा छोटा वर्णन आ जाता है कि ये सब्जेक्ट किस चीज का है. ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हिंदी के अंदर है या अंग्रेजी के अंदर है, ये 3ds Max, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिस्टम्स, ये सभी वो सॉफ्टवेयर हैं जो आज की जरूरत है और आज के लिए इस्तेमाल करे जाने के लिए जरूरी है. किसी भी कार्य प्रणाली में, किसी भी पर्सनल एनवायरनमेंट में, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, किसी भी कोर्स को देखने के लिए यहाँ पे इंक्लूजन का बटन दिखेगा. सो हम इस इंक्लूजन को बटन को क्लिक करेंगे. इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है यहाँ हम देखेंगे कि सारी उस कैटेगरी के सारे सब्जेक्ट्स आ गए. जैसा कि मैंने आपको बताया था उसके अंदर सात सब्जेक्ट थे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हिंदी में, वर्ड हिंदी में एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह वगैरह. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मेन पैनल खुल जाता है जिसके अंदर आपको देखते हैं कि इसमें कितने तरह के चैप्टर तक इंडेक्स ऑफ कॉन्टेंट्स. तो हम किसी को भी क्लिक करेंगे, लेट्स से क्रिएट योर फर्स्ट डॉक्यूमेंट. इसको जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक हैं ये सारे आ जाएंगे. मतलब आप एक तरीके से किताब पढ़ रहे हैं और जब भी आप उसको क्लिक कर रहे हैं तो आप उसके अंदर वाले सेक्शन में जाते हैं. पहले आपने कैटेगरी चूज करी, फिर आपने सब्जेक्ट चूज करा, फिर आपने टॉपिक चैप्टर चूज करा, फिर आपने टॉपिक चूज करा. सो सभी तरह की पढ़ाई को इसी तरीके से डिवाइड किया गया है. सो आप जैसे ही ये शुरू करते हैं तो आपको पहले आपका एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है. आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको ये गणना हो जाएगी कि आपको इस सब्जेक्ट के बारे में कितना पता है. सो दिस इज ओनली टू यू नो गिव यू दैट इंफॉर्मेशन कि आप इस सब्जेक्ट के बारे में कितना जानते हैं और आपको कितनी पढ़ाई करनी चाहिए. सवाल यहाँ से पढ़कर इन तरह की ऑप्शंस में से चूज करके आप कोई भी चीज जो आपको सही लगती है उसको पकड़ के आप जवाब दे सकते हैं. सवाल हमने शुरू के अंदर सिर्फ पांच ही पूछे थे. सो इसके अंदर ये दिखता है कि विच इज नॉट एन एमएस वर्ड, ये हमारा सवाल सही था, ये हमारा जवाब ये भी सही था, तीसरा जवाब भी सही था, चौथा भी सही था और पांचवा भी सही था. हमने ये देखा कि हमारे पांच सवालों में से पांच के पांच सही थे. इनकरेक्ट आंसर जीरो है, करेक्ट आंसर फाइव है, एफिशिएंसी 100% और ग्रेड हमें ए प्लस मिला है. सो इस तरीके से पहला फर्स्ट लेवल का हमारा टेस्ट हो जाता है. एग्जिट बटन दबाते हैं, वापस बाहर आ जाते हैं और दोबारा से उसी प्रणाली को जाने के लिए, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हमें राइट हैंड साइड पे ये बटन क्लिक. सो व्हेन वी क्लिक दिस, इससे एसोसिएटेड जो वीडियो है या जो पढ़ाई का कंटेंट है ये आ जाता है. नीचे उसके कंट्रोल बटन्स हैं जिसको क्लिक करने के बाद हम उस चीज को प्ले करते हैं और उसको हम देख के यूज कर सकते हैं. हम चाहें तो इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं और चाहे हम इस जा सकते हैं जहां से हम किसी भी दूसरे टॉपिक पे एक सेकंड में जा सकते हैं.
इस तरीके से आप एक एक करके जो कोर्सेज करते हैं अपने, इससे रिलेटेड असाइनमेंट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। हम असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, सो ये हमें दिखता है कि असाइनमेंट डाउनलोड हो गया है, और इसको हम चाहे तो प्रिंट निकाल सकते हैं या इसको फॉलो करके हम शेयर कर सकते हैं, और इसी के हिसाब से हम इस असाइनमेंट को कंप्लीट करके अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए हमें सब्जेक्ट का बटन दबाएंगे तो सब्जेक्ट खुल जाएगा। किसी दूसरी कैटेगरी में जाना है तो हम दूसरी कैटेगरी का बटन दबाएंगे और उसमें वो कैटेगरी खुल जाएगी। इसी तरीके से हम अलग कैटेगरी देख सकते हैं कि कंप्यूटर एप्लीकेशन, लैंग्वेज लर्निंग में जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको नेविगेशन करते हुए ये जो पैनल है राइट हैंड साइड पे, इसमें नीचे से ऊपर जाना है। तो पहले अगर हम सेलेक्ट करेंगे मेन कैटेगरी, तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे ई कोर्सेस, फिर हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे लैंग्वेज लर्निंग, फिर हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे लेट्स से इंग्लिश फॉर बिगनर्स, इंग्लिश फॉर इंटरमीडिएट्स, एक्सपर्ट्स, इंग्लिश ग्रामर, अर्ली ईयर्स, ये एक बढ़िया चीज है, ये देखते हैं अर्ली ईयर्स, और फिर उससे रिलेटेड चैप्टर्स देखेंगे। सो लेट्स से माय सेकंड स्टेप्स। सो जैसे हम चैप्टर के अंदर आते हैं तो यहाँ पे टॉपिक आ जाता है। आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी वही स्क्रीन है जो हमारी पहले थी, तो जब तक हम टॉपिक को चेंज नहीं करेंगे तब तक लेफ्ट हैंड साइड की जो स्क्रीन है उस पर वही रहेगा जो हमारा लास्ट टाइम खुला हुआ था। तो जैसे ही हम टॉपिक को क्लिक करते हैं अब ये फाइल चेंज होती है और अब हमारी पढ़ाई चेंज हो गई है। बहुत बढ़िया तरीके से इस सिस्टम को बनाया गया है, बहुत बेसिक तरीके से। मतलब आप अपने घर में जो अंग्रेजी सीखना चाहता है, जो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कम रखता है या प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, ये उस तरीके से बनाई गई है सब पढ़ाई कि जिस तरीके से जिस चीज को पढ़ाया जाना चाहिए उस तरीके से पढ़ाया गया है। सो किस तरीके से इस चीज को बोला जाता है, किस तरीके से इस चीज का उच्चारण होता है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जैसे ये लर्निंग अल्फाबेट्स का कोर्स कराया गया है। ये बात तो तय है कि घर के अंदर अब जो बच्चा है आने वाला, आपका अपने घर में हो या पड़ोसी के घर में हो, दिस इज अ वंडरफुल वे ऑफ यू नो गोइंग आउट एंड लर्निंग, और साथ साथ उसके असाइनमेंट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। सो इन ऑल इट इज कंप्लीट एजुकेशन। जैसे अब हम आते हैं राइटिंग अल्फाबेट्स ए टू जी। सो जिसको ये सब कुछ लिखना आता है उसको शायद एक लगेगा कि यार इस चीज की शायद इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन ये बच्चों के लेवल की पढ़ाई, बहुत बेसिक लेवल की पढ़ाई मोंटेसरी एजुकेशन को फॉलो करते हुए बनाई है। दिस इज इनक्रेडिबल हाउ इट वर्क्स, यू नो, एक एक चीज को जो इलस्ट्रेटर है, जो डिजाइनर है, उन लोगों ने इतनी बारीकी से काम किया है कि जैसे स्कूल के अंदर या एक अच्छे संस्था के अंदर आपको लिखना सिखाया जाना चाहिए या बोलना सिखाया जाना चाहिए, वही एक्सपर्ट्स ने मिलकर इन कोर्सेज को बनाया है ताकि जब भी आप कोई चीज को सीखें आप बिल्कुल उस तरीके से सीखें जिस तरीके से एक अच्छी संस्था के अंदर फिजिकल क्लासरूम के अंदर सिखाया जाता है। सो बहुत बारीकी से चीजों को बनाया गया है। वी हैव कमिटेड दैट यू नो वी विल स्टार्ट फिटनेस क्लासेस, सो वी पुट इन द हेल्थ एंड, जब हमने ड्यू वाइटल को लॉन्च किया था तब हमने आप लोगों को कहा था कि हम एक फिटनेस सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आपको किस तरीके की एक्सरसाइजेस रोजमर्रा के उसमें करनी चाहिए उस तरीके से बनाया गया है। सो वी डिवाइडेड योर एक्सरसाइज रूटीन टू डे वन पे क्या करना है, डे टू पे, डे थ्री पे, डे फोर पे, इस तरीके से करीबन 9 दिन का ये वर्कशॉप है। आपकी सेहत, आपकी एनर्जी, आपकी फुर्ती हर लेवल में, हर मामले में बहुत सुपर हो जाएगी। सो आई विल जस्ट क्विकली प्ले दिस थिंग, एंड ये सारी चीजें उन लोगों के लिए हैं जो एकदम नए तरीके से शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज के अंदर। आप चाहे जिस मर्जी लेवल के प्लेयर हो, जिस मर्जी लेवल की फिटनेस रखते हो, लेकिन ये सब उसके हिसाब से डिजाइन किया गया है कि आप योगा को अपना बेस बनाते हुए अपनी स्ट्रेचिंग, अपनी ब्रीदिंग, अपनी बॉडी के अंदर वो तरोताजगी लाएं, which will give you immense benefit. So just follow the instructor on the screen. हर तरीके से आप एड ऑन डिमांड इसको रोक सकते हैं। हर स्टेप को 10 बार करना है या 5 बार करना है जैसे आप शुरू में करना चाहें। सो यूजिंग दिस दीज एक्सरसाइजेज अमेजिंग बेनिफिट है इसका। दिस इज अ न्यू थिंग which is a complete, जैसे हमने प्रॉमिस किया था हेल्थ एंड फिटनेस एंड माइंड एंड बॉडी के सेक्शन के अंदर।
So you can do, this is day one, you can go to day two, just follow this routine. आप ये रोज ये रूटीन फॉलो कीजिए और हमारी गारंटी है दैट यू विल बिकम 10 इयर्स यंगर इन 2 months. दिस मच आई कैन अश्योर यू बिकॉज आई वर्क्ड ऑन इट, आई हैव यूज्ड इट एंड आई कैन टेल यू कॉन्फिडेंटली कि हाँ इस तरीके से ये काम कर रहा है. वी विल गो टू अनदर थिंग, नॉलेज एंड अवेयरनेस. दिस इज इंटरेस्टिंग. जैसे मैंने आपको बताया कि दिस कम्स इन सेकंड पेज. सो आप नए पुराने पेज में, मतलब पेज वन पे या पेज टू पे यहाँ से जा सकते हैं अगर कोर्सेज ज्यादा हैं या कैटेगरीज ज्यादा हैं. सो जैसे इसके अंदर हमें शुरुआत करिए इंडस्ट्री एंड पॉलिसी से. तो इंडस्ट्री एंड पॉलिसी को क्लिक करते हैं. इसके अंदर आती है डायरेक्ट सेलिंग. क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हैं तो इससे रिलेटेड किसने क्या कहा, कौन क्या बोल रहा है, दिस इज इंटरेस्टिंग. यू नो, लेट मी जस्ट प्ले दिस फॉर यू. ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैं. इन्होंने जब भीम ऐप लॉन्च करी थी तो ये तब की बात है. इस भीम आधार के तहत मैं इस वैकेशन में मैं मेरे देश के नौजवानों को निमंत्रित करता हूं. इसमें एक योजना है रेफरल की, यानी अगर आप किसी को भीम ऐप के संबंध में समझाएंगे, किसी मर्चेंट को समझाएंगे, किसी नागरिक को समझाएंगे, उसके मोबाइल पर भीम ऐप डाउनलोड करवाएंगे और आपकी प्रेरणा से वो 3 ट्रांजेक्शन करेगा, कभी 50 रुपए की चीज खरीदेगा, कभी 30 रुपए की खरीदेगा, कभी 100 रुपए की खरीदेगा, ये आपके द्वारा अगर हुआ है तो एक अगर आपने व्यक्ति को इसमें जोड़ा तो सरकार की तरफ से आपके खाते में 10 रुपया जमा हो जाएगा. अगर एक दिन में आप 20 लोगों को भी ये कर लें तो शाम को जेब में 200 रुपया आपके खाते में आ जाएगा. जैसा मैंने आपको मीटिंग की शुरुआत में बोला था कि ड्यूसॉफ्ट वही काम कर रही है जो सरकार करना चाहती है, तो इस बार तो सरकार वही काम कर रही है जो ड्यूसॉफ्ट कर रही है. तो मोदी जी अपनी भीम ऐप को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से इन्होंने प्रमोट किया, तो इससे बड़ा हमें क्या सबूत चाहिए होगा कि भारत सरकार भी डायरेक्ट सेलिंग को समझती है, उसकी पावर को समझती है, वो जानती है. ऑल दीज वीडियोज आर अवेलेबल ऑनलाइन. क्योंकि पहले कभी इधर था कभी उधर था, व्हाट यू ट्राई टू डू इज हमने ये कोशिश करी है कि आप लोगों के लिए जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हमें इफेक्ट करने वाली वीडियोस हैं वो इस सेक्शन में आपको मिल जाएंगी. जो जैसे डायरेक्ट सेलिंग की वीडियोस हैं ये डायरेक्ट सेलिंग के सेक्शन में मिल जाएंगी. जैसे 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 नरेंद्र मोदी ने इसके बारे में बोला है, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने 2 साल पहले बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कि डायरेक्ट सेलिंग की पावर क्या है. स्पीचेस या ये थर्ड पार्टी मटेरियल इस साइट पे इस जगह से देख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से किस इंडस्ट्री में आप. इससे होगा क्या कि जैसे कई जगह एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कई जगह लोगों के इतने सारे सवाल होते हैं जिनका हम अपनी तरफ से जवाब देते हैं तो शायद वो पूरा नहीं हो पाता. बट व्हेन यू शो दीज थिंग्स, व्हेन यू गो आउट एंड एक्सप्लेन टू देम कि हाँ ये देखिए ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री इसके बारे में ऐसा समझते हैं, ये हमारे अमिताभ कांत जी जो सीईओ हैं नीति आयोग के, उनका ये कहना है इस इंडस्ट्री के बारे में. तो एक विश्वास को एक हम नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं. व्हाट वी हैव ट्राइड टू डू अगेन हियर, लाइक आई सेड, हमने हर तरीके से कोशिश करी है कि इस प्रोडक्ट को इसके अंदर हम जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें डाल पाए ताकि आप लोग परफेक्ट तरीके से इसको यूज कर पाए. सो देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड व्यावसायिक विकास, मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट. इसको हिंदी के अंदर भी कोशिश की गई है कि सभी कोर्सेज को हिंदी में डेवलप किया जा रहा है दोबारा से ताकि आप लोगों को सीखने में पढ़ने में आसानी हो. सो हम व्यवसायिक विकास को क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट्स आ जाएगा. इसमें आएगा लक्ष्य और दृष्टिकोण. आपको याद होगा जैसे हम सब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो लक्ष्य दृष्टिकोण, उसके बाद हम चैप्टर को क्लिक करते हैं. सो पहला चैप्टर बाय डिफॉल्ट सबसे ऊपर पहला चैप्टर आएगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर लेट्स गो टू लक्ष्य दृष्टिकोण. तो उसका पहला टॉपिक आ जाएगा परिचय, ऐसा ही सेकेंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक,
fifth topic. So let's click on Parichay. This section is very close to my heart. पहले डीवीडी जाया करती थी किट के अंदर, बहुत सारे लोग देख पाए नहीं देख पाए, बट ये वो सब चीजें हैं जो मैं एज निर्देशक चाहता हूँ, एज अ डायरेक्टर चाहता हूँ कि जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो इस चीज को जरूर देखें और अपने आपके अंदर इन चीजों का बदलाव लाने की कोशिश करें. सो लेट मी जस्ट ट्राई एंड प्ले दिस फॉर यू. आज का दिन बहुत हसीन है. हवा में कुछ और ही ताजगी थी. ऐसे लग रहा था दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली तो नहीं हो सकती, तो इतनी खूबसूरत कैसे हो गई रातों रात. फिर याद आया कि दोस्त ये दिल्ली तो ड्यूसॉफ्ट की राजधानी भी है. बहुत लोगों का मानना है कि ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करने का तरीका आज से 13 साल पहले था. अक्सर मैं उन लोगों से मिलता हूं, लोग कहते हैं कि सर उस समय ज्वाइन किया होता तो क्या होता. यकीन बात है, कंपटीशन का अभाव था, बहुत बड़ी अनटच्ड मार्केट थी, देयर वाज अनलिमिटेड पोटेंशियल, आसान था, रिकॉग्निशन आसान थी, लोग कम थे, सब एक दूसरे को जानते थे, जिसको जो मदद चाहिए उसी समय मिलती थी, काम करने का तरीका आसान था. So as you see the advantage in this system is, मतलब आप देखेंगे कि इस तरीके के सिस्टम में एडवांटेज ये है कि एक डीवीडी सेट था जिसमें से ये एक्सट्रैक्ट किया गया है. ये मेरी 2013 की स्पीच है जिसके अंदर वी टॉक अबाउट विजन्स एंड गोल्स, और हिंदी में उसको बोलें तो लक्ष्य और दृष्टिकोण. सो उस दो डीवीडीज के सेट को रफली 2.5 या 3 घंटे की ये ट्रेनिंग थी जो तालकटोरा स्टेडियम के अंदर लगाई गई थी. सो उस चीज को डिवाइड किया गया है सेक्शंस के अंदर, जिसके अंदर आप रिलेटिव सेक्शन को उसी समय पढ़ के समझ सकते हैं. मतलब आपको 2.5 घंटे एक बार में देने की जरूरत नहीं है, और यही वो नए तरीके से पढ़ाई करने का नया जो तरीका है वो यही है कि पूरे बड़े बड़े सब्जेक्ट को, पूरे बड़े बड़े कॉन्टेंट को तोड़ के छोटे छोटे भागों में बांटा गया है ताकि आपके हाथ में कंट्रोल है. आज आपने ये पढ़ा, ये सुना, इससे रिलेटेड आपने अपने नोट्स बनाए, उस चीजों को अमल किया, आपने शाम को या 2 घंटे के बाद आपने सेकंड स्लाइड पढ़ी, या 1 घंटे बाद तीसरी स्लाइड पढ़ी, चौथी स्लाइड पढ़ी. सो यू कैन डायरेक्टली जंप टू डिफरेंट प्लेसेस. लेट्स हियर दिस. ट्रेनिंग अटेंड करने से रास्ता दिखता है, लोगों को सुनने का मौका मिलता है, लोगों को रूबरू होने का मौका मिलता है. हमारे कुछ सीनियर्स ऐसे हैं जो उस मुकाम पे हैं, एक विश्वास आता है देखने के लिए कि हाँ मैं भी ये काम करूंगा तो इस मुकाम तक पहुंचूंगा. सो द आइडिया इज कि आप तक सारा सामान, सारी सामग्री, सारा कंटेंट आप तक उस तरीके से पहुंचा है इस सिस्टम के द्वारा कि आपको आसानी से कोई भी पार्ट, कोई भी चीज को बार बार देखना है, कोई भी चीज को दोबारा समझना है, किसी भी तरीके को, किसी भी कोर्स को, किसी भी चीज को एक्सेस करने में कहीं से कोई परेशानी ना आए, आपको इधर उधर ढूंढना ना पड़े, क्योंकि ये साइट इतने हजारों पेज की है, इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर. तो सबसे बड़ा इस साइट के अंदर चैलेंज ये था कि किस तरीके से हम आपको बिना अलग अलग पेज पे ले जाए, एक ही जगह से आपको किस तरीके से नेविगेट करा पाए, ताकि आप जब पढ़ाई कर रहे हो, जब आप चीजें सीख रहे हो, जब आप चीजें देख रहे हो, तो आपको आसानी. सो दिस इज हाउ द ई कोर्सेज वर्क. यू नो, हर तरीके को, हर बड़े चीज को छोटा करके छोटे छोटे सेक्शंस में भागों में बांटा गया है, और उन भागों से आने वाले कल में और असाइनमेंट्स और टेस्ट वगैरह कनेक्ट किए जाएंगे, ताकि एक एक चीज के बारे में लोगों को पता हो और उसको वो टेस्ट कर पाए अपनी नॉलेज. मैं चाहूंगा कि जब भी कोई आदमी ज्वाइन करता है, जब भी आदमी किसी भी नए आदमी को आप एक प्रोडक्ट सेल कराते हैं, तो आप उनको ये चीजों के बारे में, पहले तो आप खुद अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को सक्षम कीजिए, अपने आप को
प्रिपेयर कीजिए कि आप इस साइट को अच्छे तरीके से देख पाए, और फिर जब आप किसी भी एक नए आदमी को ज्वाइन कराते हैं तो आप उनको ये चीजें दिखाएं कि देखिए आप इतना इस तरीके से, मतलब मैं चाहूंगा कि ये मेरी वाली गोल्स एंड विजन की ट्रेनिंग तो आप जरूर दिखाएं। आई विल टेक यू टू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल एंजॉय दिस। दिस इज ऑडियो बुक्स। यू नो अ लॉट हैज हैपेंड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। वी हैव अ ह्यूज कलेक्शन। ऑडियो बुक्स हमने क्लिक किया था तो इसके अंदर ये तीन सेक्शन है, पर्सनल डेवलपमेंट, इजी लिसनिंग और व्यक्तिगत विकास। दोबारा से व्यक्तिगत विकास इज मोटिवेशनल स्पीचेस गिवन बाय द हूज हू ऑफ द इंडस्ट्री। आई विल जस्ट क्विकली टेक यू टू दिस सेक्शन। गर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहां तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला। दुनिया बदली है जिसने भी, पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और दानों का उपहार मिला। हर श्वास में अब विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो, हाथों में विजय मशाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से, अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से, तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से, तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, उन्मुक्त गगन में उड़े चलो, आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। So I think this is what we are trying to do, you know, because our business, कोई भी इंसान काम करते करते थक जाता है, काम करते करते उसे मोटिवेशन चाहिए, एक्सटर्नल प्रेरणा चाहिए जब उसके अंदर की कम हो जाती है। सो वी हैव कलेक्टेड सिमुलेटेड कुछ स्टोरीज हैं इसके अंदर, कुछ कविताएं हैं, कुछ ख्याल हैं लोगों के, जिन लोगों ने बहुत तरक्की करी है और वो अपना लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों से। सो दीज आर सर्टन वीडियोज, ऑडियोज एंड वीडियोज जो हमने शॉर्टलिस्ट करे हैं, जो आपको जब भी आप लो फील कर रहे होंगे आप जरूर आए, इनको यूज कीजिए एंड यू विल फील दैट यू नो ट्रिमेंडस इम्प्रूवमेंट, ट्रिमेंडस चेंज। देयर इज क्वाइट अ कलेक्शन, बहुत सारे शॉर्टलिस्टेड स्टोरीज हैं, वी आर यू नो वर्किंग ऑन नई तरह की स्टोरीज। पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर हम आते हैं तो यहाँ बिजनेस डेवलपमेंट है या इंस्पिरेशन है। सो लेट्स गो टू बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर एटीट्यूड, फोर बेसिक्स ऑफ बिजनेस, वुमेन एम्पावरमेंट, अमेजिंग सेट ऑफ ट्रेनिंग्स। ये सुनीता त्रिजी की ट्रेनिंग है जिसकी ऑडियो फाइल्स हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि मेरा नाम सुनीता अत्री है। गुरदासपुर के एक छोटे से शहर, एक छोटे से गांव बहरामपुर से बिलोंग करती हूँ। क्वालिफिकेशन में एमए बीएड हूँ। एक बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करती थी शादी से पहले। मेरे पापा एक छोटे से फार्मर हैं और मेरी मदर जो है वो एक मतलब कि टोटली अनपढ़ हाउसवाइफ हैं। हमारा गांव जो था वो एक रिमोट एरिया में था और हमारे घर से जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो शायद 7-8 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर था। और हमारा परिवार जो था वो ज्वाइंट फैमिली थी। हमारे परिवार में कुल मिलाकर हम सभी 20 लोग थे
और उन सब में कमाने वाले मेरे पापा अकेले थे, जबकि बाकी सभी लोग खाने वाले थे। और आप सोचो कि एक ऐसे माहौल में पैदा हुई लड़की क्या ड्रीम देख सकती है और कहां तक पहुंच सकती है। लेकिन फिर भी मेरे ड्रीम बहुत बड़े बड़े थे, बहुत ऊंचा सोचती थी मैं सोचती थी कि मैं एक हाईली क्वालिफाइड लड़की बनूं, अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल लड़की बनूं, मेरी अपनी एक अलग पहचान हो, लोग मुझे मेरे पापा के नाम से या मेरे पति के नाम से नहीं बल्कि मेरे नाम से जाने। जितने भी यहाँ महिलाएं हैं, जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, यू नो, हमने क्या कोशिश करी है कि जैसे मैंने आपको बताया, सारे बड़े कोर्सेस को, बड़ी चीजों को छोटा करके काट कर उनको उस रेलिवेंट चीज पे डाला है, ताकि आप लोग अपने समय पे छोटा छोटा करके इसे सीख पाए और उसे तब्दील कर पाए, उसे यूज कर पाए, उसे सुनिए। दीज आर रियल लाइफ स्टोरीज। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ हमने देखा सुनीता अत्री जी की 4 basics of business है, आप अपने लोगों के बीच में इसको प्रमोट कर सकते हैं कि किस तरीके से चैलेंजेस आते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके से चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। ये सेक्शन आप जरूर देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से प्लान दिया जाता है, किस तरीके से फॉलो अप किया जाता है, किस तरीके से मोटिवेशन दिया जाता है। सो हमने कोशिश ये करी है कि बजाय कि आप एक फिजिकल ट्रेनिंग तक पहुंचे, एक फिजिकल ट्रेनिंग आप तक पहुंच रही है इसके जरिए, और आप इस तरह की चीजें अपने साथ जुड़ने वाले लोगों को, अपनी टीम के अंदर लोगों को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं कि आप ये सुनिए, और शाम को आप लोग उसके बारे में, एक सेक्शन के बारे में या 2 chapters के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। दिस विल हेल्प यू बिल्ड योर बिजनेस ट्रेमेंडसली द वे वी सी इट। दोस्तों, ज्यादा लोग जो आम जिंदगी में नेटवर्क बिजनेस के प्रति सही राय नहीं रखते, उसके पीछे एक ये वजह है कि वो इस बिजनेस को सही तरह से नहीं जानते। उनमें ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं, जिनमें मैं भी एक था, क्योंकि मार्केट का नेचर इस बिजनेस को लेके अभी इतना सकारात्मक नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास इसकी सही जानकारी है। और जो कुछ लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग उनमें से इस बिजनेस को समझने और सीखने से पहले छोड़ जाते हैं, और फिर लोगों से कहना शुरू कर देते हैं कि यह बिजनेस नहीं चलता, यह बिजनेस काम नहीं करता। ऐसा सिर्फ इस वजह से है कि वह इस बिजनेस की गहराई और इस ताकत को समझने से पहले ही इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। इसकी एक और वजह यह है कि वो इस बिजनेस को सही तरह से करने के तरीके को जान नहीं पाते, सीख नहीं पाते। एक समय की बात है दोस्त, दो दोस्त किसी दूसरे शहर में कारोबार के लिए जाते हैं, और साथ में घूमने के लिए जब निकलते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति एक दुकान लगा करके बैठा और कुछ बेच रहा है। उससे पूछते हैं कि भाई साहब, ये आप क्या बेच रहे हैं? क्योंकि वो जो बेच रहा है वो एक फल होता है, लेकिन उसकी पहचान नहीं रखते, उससे उन्होंने पहली बार देखा होता है कि आप क्या बेच रहे हैं। बेचने वाला उन्हें बोलता है कि ये नारियल है। ये किस काम में आता है? वो कहता है, जी इसे ये खाने के काम में आता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट मीठा होता है, और इसके पानी से आप प्यास भी बुझा सकते हैं। ये बात जानकर के वो उससे खरीद लेते हैं, लेकर के अपने घर वापस आ जाते हैं दूसरे शहर, और आकर के जब उससे खाने का प्रयास करते हैं तो जहां से भी उसको काटते हैं तो उन्हें बहुत बेस्वाद लगता है, उन्हें उसमें मजा नहीं आता। कोशिश करते हैं, आप समझ सकते हैं कि नारियल को बिना छिले हुए जब कोई खाने की कोशिश करेगा तो उसको कैसा स्वाद आएगा। उसे बेस्वाद पाने के बाद बार बार कोशिश करने पर जब वो उसे नहीं खा पाते तो उसे निराश होकर के फेंक देते हैं, और ऐसा मान लेते हैं कि शायद उस आदमी ने उन्हें बेवकूफ बना दिया, और अपने लोगों से भी ये कहना शुरू कर देते हैं कि यार, मैं दूसरे शहर गया तो ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हुई, मुझे किसी ने बेवकूफ बना दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो उस नारियल को खाने की सही विधि नहीं जानते थे, सही तरीका नहीं जानते थे। अगर वो उस नारियल को तोड़ने की और उसमें से जो मीठा फल है उसे निकालने की विधि जानते तो उसके मीठे फल का आनंद ले सकते थे, उसके मीठे पानी से आनंद ले सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और खो दिया, और उसके बारे में अपनी राय बना ली कि यह सही नहीं है। यही इस बिजनेस के साथ होता है दोस्त, जो इस बिजनेस को शामिल हो जाते हैं लोग और बिना सीखे ही इसे छोड़ देते हैं, वो इस बिजनेस को करने के सही तरीके को नहीं सीख पाते, इसकी सही विधि नहीं जान पाते, और इस बिजनेस में छुपे हुए मीठे फल
जो बहुत सारा धन, बहुत सारा समय की आजादी, एक सिक्योरिटी, एक सम्मान, सुरक्षा दिला सकता है, उससे वंचित रह सकते हैं, ये उनकी बदकिस्मती होती है। सो एज यू सी, कोशिश हमारी ये है कि अपने प्रोडक्ट को उस तरीके से पावरफुल बनाया जाए ताकि ये एजुकेशन के साथ साथ, अपने आप को निखारने के साथ साथ, ये हमारे को आगे बिजनेस को बढ़ाने में भी मदद करेगा। सो दिस वॉज द कम्प्लीट आइडिया ऑफ द कम्प्लीट ओवरऑल। एक चीज ये कि वो हमारे पास प्रोडक्ट और कोर्सेज वो हैं जो सब लोगों की जरूरत है, सब लोगों को चाहिए, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, कंप्यूटर्स, बॉडी लैंग्वेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, गोल्स एंड विजन सेटिंग, मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, देर आर अ फ्यू कोर्सेज जो अभी हम अपडेट कर रहे हैं, वी आर स्टिल इन द प्रोसेस। उस तरीके से काम किया जा रहा है कि ये साइट अपने आप में सर्वगुण संपन्न हो जाएगी आपकी हर तरीके की जरूरत के लिए, चाहे उससे आप अपना निजी फायदा उठाएं, चाहे आप उससे अपना प्रोफेशनल फायदा उठाएं। दिस विल बी अ कंप्लीट पैकेज, अ कंप्लीट लर्निंग एंड अ कंप्लीट बिजनेस पैकेज, कंप्लीट लर्निंग एक्सपीरियंस कम बिजनेस पैकेज, जो जिसको आप इस्तेमाल करके, जिसको आप यूज करके हर एंगल से आप तरक्की कर सकते हैं। देखिए, पहले भी ये चीजें अवेलेबल थी लेकिन थोड़ा उनको तक पहुंचना मुश्किल था, लेकिन इस नई साइट के द्वारा, नए सिस्टम के द्वारा हमारी कोशिश ये है कि हर चीज को उतना आसान कर दिया जाए कि अपनी टीम्स के अंदर अगर आप इन चीजों को प्रमोट करेंगे तो लोगों को काम करने की विधि तो आएगी, लेकिन लोगों का सिस्टम के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा, लोगों को काम करने की प्रेरणा भी मिलेगी और काम करने का तरीका भी। सो दैट वाज द मेन आइडिया, दैट वाज द मेन एरिया वेयर वी ट्राई टू यू नो डू दिस। सो हमने ई कोर्सेज देखा, ऑडियो बुक्स देखा, आई विल टेक यू टू अ सैंपल ऑफ ई बुक्स, वी हैव नॉट फुली अपलोडेड इट, दिस इज जस्ट अ सैंपल। सो आई जस्ट बिकॉज कि आपको दिख जाए कि किस तरीके से क्या हो रहा है काम। सो ई बुक्स के अंदर अब तरह तरह की किताबें आ सकती हैं, किताबें हैं जो हम अभी डाल रहे हैं, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया, हर किताब को तोड़ा जा रहा है, हर किताब को हर चीज को तोड़ा जा रहा है छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे भागों में, ताकि आप उसका सही मायने से पढ़ पाए। जैसे ये मूवमेंट्स किताब है इंग्लिश की, चैप्टर 9, ग्रेड 9 के अंदर, क्लास 9th की मूवमेंट्स की, इसको हमने डिवाइड किया हुआ है देखिए चैप्टर वाइज इसके अंदर। सो कोशिश ये करी गई है, यहाँ पे आप ये एनसीईआरटी की किताब है जो आप पूरी की पूरी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं इसको। सो इससे रिलेटेड नोट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स भी हमारा डालने का विचार है, पर वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। बट दिस इज वॉट वी इंटेंड टू डू गोइंग फॉरवर्ड, कि किसी भी बड़ी चीज को छोटे में तोड़ें ताकि आप उसे छोटे छोटा करके पढ़ पाए। सो वी विल यू नो पुट लॉट ऑफ ई बुक्स, जिन जिन के राइट्स हमारे पास मिलते जाएंगे, ताकि आपको जो किताबें आप बाहर से खरीदते हैं, अगर हमारे को उनके राइट्स मिल जाते हैं, तो वी विल स्टार्ट पुटिंग इन दोज राइट, ऑल दोज बुक्स, ऑल दोज ऑडियो फाइल्स, ऑल दोज वीडियोस, जिन जिन के राइट्स हमारे पास होंगे या जो हमने खुद डेवलप किए हुए हैं, ताकि वो छोटे छोटे करके आप उनको आसानी से सीख सकें, देख सकें, समझ सकें और अपनी चीजों के अंदर इस्तेमाल कर सकें। सो दिस इज वॉट आई हैव यू नो इन स्टोर फॉर यू। और बहुत सिंपल तरीके से आपको मैं बताऊं कि हिंदुस्तान में तो हो ही नहीं सकता, पर दुनिया में भी शायद ही कोई ऐसी संस्था होगी जिसके पास इस तरीके का, इस कैपेबिलिटी का डिलीवरी इंजन है, इस तरीके की सोच है, इस तरीके का कंटेंट है, कि बड़े से बड़े काम को हम छोटा करके, संयुक्त करके आप तक लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, कि एक सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके वीडियोज, उसके ऑडियोज, उसके असाइनमेंट्स, उसके टेस्ट आपको एक ही जगह पे मिल जाए। सो दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली न्यू, मतलब दुनिया में समझिए आप 8वां अजूबा समझिए इस चीज को। सो जैसा कि ड्यूसॉफ्ट हमेशा रहती है, यू नो वी ट्राई टू क्रिएट समथिंग जो भी नहीं अवेलेबल होता। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन एंड वी आर रियली 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 प्राउड ऑफ इट। सो आने वाले कल के अंदर हम इसके अंदर और कंटेंट डालेंगे, हमारे जो अच्छे स्पीकर्स हैं, अच्छे और लोगों का जो ट्रेनिंग्स हैं, और लोगों की जो अच्छी बातें कही गई हैं जो हमारे को मदद करती हैं बिजनेस में, डेवलपमेंट में। सो वी विल कीप एडिंग ऑल दैट। कुछ लोग जो लोकल लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं, चाहे तमिल है, चाहे ईस्ट इंडिया के अंदर, अगर आप चाहते हैं कुछ कॉन्टेंट आपका है जो आप डलवाना चाहते हैं ताकि आपके लोग
उसे 24/7 बिना किसी, जब आप YouTube पर डालते हैं तो उसमें दुनिया भर की ऐड आती है और दुनिया भर की चीजें रिलेटेड टू दी कंटेंट आती हैं जिससे आदमी भटक सकता है. अगर आप चाहते हैं कि आपका लोकल लैंग्वेज का कंटेंट हम होस्ट करें, सो यू कैन प्रोवाइड अस इन अ सर्टेन फॉर्मेट, वी कैन डू दैट फॉर यू. जो आप बार बार समझाना चाह रहे हैं, जो आप बार बार बात करना चाह रहे हैं, वो बार बार बात ना हो पाए. और लोगों के पास डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर का स्केड्यूल हो कि भाई आपने पहले दिन ये वीडियो देखनी है, सेकंड डे ये वीडियो देखनी है, थर्ड डे ये वीडियो देखनी है, उसके बाद ये डिस्कशन करनी है. सो आई थिंक इट विल चेंज द कंप्लीट सिस्टम, द कंप्लीट एजुकेशन, लर्निंग एंड बिजनेस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी. हमारा मानना यह है कि हम वही काम में दम लगाएं, वही काम में दम लगाएं जहां हमारा दम लगाना जरूरी है. हम रोज रोज चैप्टर वन पढ़ाने लगेंगे तो हम अपने समय का सही तरीके से सदुपयोग नहीं कर सकते. इस नई साइट के द्वारा हमारी कोशिश यही है कि आप लोग की बेसिक ट्रेनिंग, नए आदमी के ज्वाइन करने वाली बेसिक ट्रेनिंग ऑनलाइन रहे, वो डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर के हिसाब से वो पढ़े, और आप लोग सिर्फ उनको एज मेंटोर, आप लोग उनको हैंड होल्ड करो, एज मेंटोर काम करो, उनकी प्रॉब्लम्स को रीच आउट करके सॉल्व करो, और उस तरीके से एक कंस्ट्रक्टिव मीटिंग और कंस्ट्रक्टिव काम में ध्यान दीजिए. बहुत सिंपल बात है कि यू नो यू, भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करना चाहता है, पहली बात. तो जब हम किसी को बोलते हैं कि यार आप ये दो वीडियोस या ये इनकी ट्रेनिंग सुनकर आना, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कि आपको क्या समझ आया. सो अगर वो सुनकर आता है आदमी, या अगर वो बंदा सुनकर आता है, तभी हमें पता चलता है कि वो कितना सीरियसली ले रहा है अपने इस एसोसिएशन को, अपने बिजनेस को, और हमें समझ आता है कि हाँ क्या वो वाकई काम करने लायक है साथ में, क्या हम उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करें या ना करें. क्योंकि बहाने बहुत हैं दुनिया में, यू नो कि ये था घर पे, मेरा ये था, मेरा वो था, मेरा फलाना था, ढमकाना था. सो इन सारी चीजों को खत्म करके वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ यूनिवर्सल लॉ, एक यूनिवर्सल सिस्टम जिसके अंदर, जिसको देख के, जिसको इस्तेमाल करके आदमी पढ़ सकता है, सीख सकता है और लगन से आगे काम कर सकता है. सो दैट वाज द मेन आइडिया. आई थिंक टेस्टिंग सेंटर की मैं आपको पिछली बार डेमो दे चुका हूं, तो उसको दोबारा देने की जरूरत नहीं है. बट आप टेस्टिंग सेंटर पे जा सकते हैं, इट इज कम्प्लीटली फ्री फॉर एनीवन एंड एवरीवन एज ऑफ नाउ. हमने अभी तक लॉक नहीं किया है. आप जब भी लोगों को प्लान दिखाएं, I would request that, you know, do you want me to quickly show you a sample? जैसे यहाँ पे goduseoft.com/learn है, इसकी जगह learn की जगह आपने testing करो. So can you see this site now? का username password चलेगा. So I've already logged in. तो यहाँ पे आप जैसा आपको दिख रहा है कि आप यहाँ पे चार तरीके से देख सकते हैं, by grade search कर सकते हैं, by subject search कर सकते हैं. चैनल पार्टनर्स के लिए कुछ रेडीमेड क्वेश्चंस हमने बना रखे हैं, ये आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं. कुछ क्विजेस हैं जनरल जीके के, आईक्यू के, टाइम पास करने के लिए या अपने दिमाग को वापस चलाने के लिए कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं. सो वी विल क्लिक यू नो लेट्स से बाय सब्जेक्ट. सो प्लीज चूज अ सब्जेक्ट. मुझे लगता है सबसे आसान वाले में चलते हैं, 30 ईयर्स. सेलेक्ट ए टू डी एंड सब्जेक्ट. सो बड़े बड़ी चीजों में जाने की जरूरत नहीं है. वी आर ट्राइंग टू यू नो अंडरस्टैंड कि क्या तरीके से चलता है. आइडेंटिफाई द इमेजेस एंड सेलेक्ट द डोर. सो दीज आर यू नो, ये इस टेस्टिंग सेंटर के अंदर हर तरीके से आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जो ऊपर आएगा यहाँ पे, और उससे रिलेटेड आपको इमेजेस या साउंड का बटन दबाना पड़ेगा. जैसे ही आप उसको दबा देते हैं तो आपका चॉइस अपने आप से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है. सो दीज आर गुड एक्सरसाइजेस, गुड फन एक्सरसाइजेस. दिस इज फॉर चिल्ड्रन, यू नो, जो बच्चे अंग्रेजी सीख रहे हैं, लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान उसके लिए प्रैक्टिस के लिए है. ए टू डी, जैसा हम यहाँ देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है अर्ली ईयर्स. अर्ली ईयर्स मतलब एकदम बेसिक ईयर्स, क्लास केजी से लेके 1-2 तक जाते हैं. अल्फाबेट्स आप ए टू डी के अंदर पढ़ रहे हैं. जैसा मैंने आपको बताया कि हर चीज, हमारी कोशिश ये है कि हर बड़ी चीज को तोड़ के छोटा किया जाए. सो जैसे आप देखेंगे कि अल्फाबेट्स को भी हम 6 भागों में आपको पढ़ा रहे हैं, ए टू डी, फिर डी टू ई टू, जो भी आगे के 6. सो इस तरीके से हर चीज को छोटा छोटा करके
आपको बताया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है या इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपके पास ज्यादा समय रहे उस चीज को अब्सॉर्ब करने के लिए और आपके ऊपर एकदम एक भार ना आ जाए और वैरायटी भी आ जाए। सो अगेन हमने 10 में से 10 करें, वी कैन रिव्यू आवर आंसर्स, वी कैन रिव्यू राइट एंड रॉन्ग, या हम अपनी फाइनल रिपोर्ट देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल था तो इसलिए मेरे 100% नंबर है। और सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, यू नो, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, यू कैन गो चैलेंज योर स्किल्स ऑल्सो। थोड़े हैवी ड्यूटी सब्जेक्ट्स भी देख सकते हैं आप, लॉ देख सकते हैं, मेडिकल एग्जाम्स कर सकते हैं, इंडियन रेलवेज कर सकते हैं। हैव टू रिमेंबर, वी डू नॉट ट्रेन यू फॉर, आप जब अपनी तैयारी कर लेते हैं बाहर किसी भी जगह से, तो आप यहाँ आकर उसकी अपनी नॉलेज का ज्ञान टेस्ट कर सकते हैं। दिस थिंग वर्क्स, यू कैन गो बाय ग्रेड, अगर जैसे सब्जेक्ट में नहीं मिल रहा है तो हम जा सकते हैं, जैसे हम ग्रेड 7th का हैं कि इसमें क्या क्या है, कंप्यूटर्स है, एनवायरमेंटल साइंस है, मैथ्स है, साइंस है। सो वर्ड प्रॉब्लम, सो ये मैथ्स के अंदर हम ग्रेड 7 के अंदर वर्ल्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं कि एक पैकेट 15 रेड पेंसिल का और दूसरे पैकेट में 5 लेस देन 15 ब्लैक पेंसिल है। तो समबडी हैज टू पुट देयर माइंड ऑन टू इट। और आपके घर में जो स्कूल के बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे हैं या जनरली अपने मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए आप इन एग्जाम्स का, इन टेस्टिंग सेंटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू नो, यू कैन टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स अराउंड यू। यू नो, लाइक आई सेड, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं जिसके अंदर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और आप अपनी नॉलेज का टेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द टेस्टिंग सेंटर इज ऑल अबाउट। वी हैव करंटली अबाउट roughly about 40,000 questions, इसमें से आप choose कर सकते हैं। So apparently this is what we have in store for you, you know, हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, product को extensively उस level पे ले आए हैं कि इस position पे, जैसे मैंने आपको बताया, ठोक पीट के कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में तो कोई है ही नहीं, पर विश्व के level पे भी सिर्फ कुछ ही चंद संस्थाएं होंगी जो इस तरीके का, इस तरीके के इंजन पे, इस तरीके के डिलीवरी मेथड पे काम कर रही हैं कि जिसमें आपको पूर्ण तरीके से हर चीज साथ ही साथ एक ही बार में मिल रही है। सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू टुडे एंड आई एम सो वेरी प्राउड, यू नो, आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ आवर टीम हु इज डेवलपिंग ऑल दिस, हु इज स्पेंडिंग टाइम, हु इज जिन्होंने मिलके इतना अमेजिंग प्रोडक्ट तैयार किया है। धीरे धीरे हम इसके अंदर नई चीजें ऐड करेंगे आपके काम की, जिनको इस्तेमाल करके, जैसे मैंने आपको बताया कि आप खुद, आपकी टीम, नए लोग जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो सभी बहुत जमाने बाद, मुझे लग रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ, ये शायद चौथा या पांचवा हमारा टाइम ऑफ एक्सेलेंस है। पहला 2000 में किया, फिर हमने कुछ दिन पहले किया ड्यू वाइटल के साथ, फिर हमने ये टेस्टिंग सेंटर के साथ किया, और आज हम ये जो एजुकेशन को नए तरीके से, हमने पूरे तरीके से, मतलब जिसमें यू नेम द थिंग एंड इट इज देयर, सो उस तरीके की हम कैपेबिलिटी ले आए हैं कि मजा आ रहा है। वी यू नो इट फील्स नाइस, इट फील्स प्राउड, आई फील लाइक अ रॉक स्टार। थैंक यू सो मच।